वड्डी ते राहत भरी खबर उन्हां 700 पंजाबी भारती विद्यार्थियों दे लई है जिहड़े कैनेडा दे विच अज तो 4-5 साल पहला पढ़न गए सन अते उन्हां ते देश निकाले दी तलवार लटक रही है। राहत भरी खबर यह है कि कैनेडा दी सरकार ने इन्हां विद्यार्थियों दी वतन वापसी ते हाल दी घड़ी आरजी रोक ला दित्ती है। यह जानकारी आम आदमी पार्टी दे पंजाब तों राज्यसभा मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने दित्ती है। विक्रमजीत सिंह सानी विश्व पंजाबी संस्था के कौमांतरी प्रधान भी ने। उन्होंने दस्या कि भारतीय हाई कमिशन के सहयोग अते उन्हां दी गुजारिश ते यानी कि विक्रमजीत सिंह सानी दी गुजारिश ते कैनेडा दी सरकार ने 700 विद्यार्थियों की भारत वापसी ते हाल दी घड़ी आरजी रोक ला दित्ती है, जांच चल रही है। उन्होंने दस्या कि कैनेडा की सरकार दे ध्यान दे विच उन्हां लिआंदा कि इन्हां विद्यार्थियों ने कोई धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि जिहड़े इमीग्रेशन एजेंट ने लोटू इमीग्रेशन एजेंट ने उन्होंने इन्हां विद्यार्थियों दे नाल धोखा किया है, जाली दाखला पत्र जारी करके इन्हां नूं कैनेडा भेज दिता है। हुण सरकार इस मामले की जांच लई कमेटी बना रही है। इस पूरे मामले की कल्ले कल्ले विद्यार्थी दे केस की जांच उस कमेटी दे वल्लों कीती जाएगी। विक्रमजीत सिंह सानी तो पहला पंजाब दे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी जानकारी दित्ती कि लवप्रीत सिंह जिहड़ा कि पंजाबी विद्यार्थी है उस दी वतन वापसी ते भी सरकार ने रोक ला दित्ती है। लवप्रीत सिंह भी उन्हां 700 विद्यार्थियों दे विचों इक है जिहड़े कैनेडा पढ़न दे लई गए सन। लवप्रीत 2017 दे विच गया सी, जदों विद्यार्थी वीजे ते कैनेडा पहुंचिया तां जिहड़े कॉलेज दा दाखला पत्र मिलिया सी उन्हां ने दस्या कि उस दा दाखला पत्र जाली है। फिर किवें ना किवें सरकार ने उसनू होर किसे कॉलेज दे विच दाखला दवा दिता। 5 साल जदों पढ़ाई दे पूरे हो गए तां उसनू भी वतन वापसी दे हुक्म दी मार झलनी पई है। पर हुण लवप्रीत दे मापिआं दे लई वड्डी राहत भरी गल है कि लवप्रीत दी वतन वापसी दा जिहड़ा फैसला सी उस ते भी आरजी रोक लग चुकी है। परसों ही लवप्रीत दे मापिआं ने सरकार नूं अपने पुत दे मसले दा हल करवाउण दी अपील कीती सी। 4 साल दी डिग्री है बच्चे कोल, 7 बैंड है उहदे, बस इक ऑफर लैटर लत्ती सीगी एजेंटा कोल, ओही इक फेक निकल गई। बस असीं तां रिक्वेस्ट करदे आं कि साडा बच्चा कनेडा च रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अज यानी कि 11 जून तो लैके 14 जून तक पंजाब दे विच मीह वाला मौसम ही रहेगा। कल जे 10 जून की गल कर लईए तो पंजाब के कई हिस्सों के विच चाहे माझा होवे मालवा ते दुआबा होवे जबरदस्त मीह पिया है। कई थावां ते तां गड़ेमारी भी हुई है। मानसा जिले दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई विच हुई कैबिनेट मीटिंग तो बाद इत्थे मोलेधार मीह पिया। लगातार 2-2.5 घंटे बारिश हुंदी रही ते मानसा दे पिंड छापियां वाली समेत कई पिंडां दे विच गड़ेमारी भी हुई। बठिंडा ते सुनाम तो भी मीह की खबर मिली है ते संगरूर दे विच तां जबरदस्त मीह पिया है। इधर दुआबे की गल कर लईए तां नवां शहर दे बंगा दे विच भी मीह दा नजारा वेखण नूं मिलिया। धुप्प दे विच भी इत्थे मीह दा नजारा देखण नूं मिलिया। साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली ते चंडीगढ़ की गल कर लईए तो कल इत्थे तापमान काफ़ी वधिया होया सी, 40 डिग्री सैलसीयस तक पहुँचया होया सी। इत्थे लोगों नूं कोई राहत गर्मी तो नहीं मिली है, हालांकि लंघी रात नूं तेज़ हवावां जरूर चलिया ने। हो सकता है कि अज मीह पै जाए क्योंकि अज पूरे सूबे दे विच हल्का मीह पैण की पेशीनगोई की गई है। कल पंजाब सरकार की मानसा दे विच हुई कैबिनेट मीटिंग दे विच पंजाब दे 14,000 तो वध कच्चे अध्यापकां नूं पक्के करन दा फैसला कर लिया गया। 19 ते 20 जून नूं पंजाब विधानसभा दा खास इजलास भी सद्या जावेगा जिस विच पंजाब सरकार केंद्र दी मोदी सरकार खिलाफ मता लैके आवेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोष लाया कि केंद्र सरकार ने पंजाब दे कई तरह दे फंडां नूं रोक रखिया। कैबिनेट मीटिंग दे विच सरकार ने पनसप अते पीएएफसी दे पनग्रेन दे विच रलेवें नूं भी प्रवानगी दे दित्ती है। भावें पंजाब सरकार ने कल दी कैबिनेट मीटिंग दे विच कई अहम फैसले लए ने पर मानसा दे लोकां नूं इस मीटिंग दा कोई खास लाभ नहीं होया जो उन्हां नूं आस सी। ना ही तो जिले के विकास के लिए कोई ऐलान किया गया ते ना ही पंजाब सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसी भी संघर्षी जथेबंदी के किसी मसले नूं सुनिया। प्रशासन दे वल्लों पूरा दिन कल संघर्ष करन वालियां जथेबंदियां दे प्रदर्शनकारियां दी फड़ो फड़ाई चलती रही, चाहे वह किसान जथेबंदियां होण जां फिर बेरोजगार ईटीटी टैट ते बीएड पास अध्यापक होण।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की मीटिंग तो पहला भावें पूरे मानसा के हर राह बोर्ड ला के भरया गया कि सरकार तुहाडे द्वार आ रही है, तुसी आपो अपनी मुश्किलां लैके सरकार दे कोल पहुंचो, पर सरकार तुहाडे द्वार प्रोग्राम शुरू होने तो पहला ही वख-वख जथेबंदियां दे कारकुनां नूं पुलिस ने गड्डियां दे विच भर के थाणियां दे विच डक दिता। हालांकि मानसा के ग्रीन रिजॉर्ट पैलेस दे विच सारे मंत्री लाइन लगा के बैठे हुए सन ते वड्डी गिणती विच पहुंचे लोगों दीआं मुश्किलां नूं सुणिया भी गया ते हल भी कीता गया। मरहूम पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह भी मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं मिलण दे लई बचत भवन पहुंचे, पर उन्हां नूं भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिलण दा कोई समां नहीं दिता, जिस तों बाद उन्हां दी मीटिंग प्रशासन दे वल्लों कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां दे नाल करवाई गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे जिला संगरूर दे विच कल पंचायत यूनियन पंजाब दे वल्लों सरकार खिलाफ सूबा पद्धरी रैली कीती गई, जिस विच पंजाब कांग्रेस दे साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं मुख तौर ते सद्या गया। सिद्धू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं पंजाब दे मुद्दयां ते एक बार फिर बहस की चुनौती दित्ती ते कहा कि 200 सवाल मुख्यमंत्री नूं कर चुके ने, पर हाले तक एक सवाल का भी जवाब नहीं आया। इस मौके जिथे नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब समेत पूरे भारत के मौजूदा पंचायती राज प्रबंध के निगर रहे हालातों बारे चर्चा की, उथे ही मजीठिया के नाल पाई जफ्फी बारे भी स्पष्टीकरण दिता, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2-3 वारी इस जफ्फी ते तंज कस चुके ने। सिद्धू ने कहा कि सियासत दे विच दुश्मनी सिर्फ विचारधारा की हुंदी है, जे मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उन्हां नूं किते मिल गए तां उन्हां नूं भी जफ्फी पा लैणगे। पटियाला दे विच पावरकॉम दे मुख दफ्तर दे बाहर किसानां दा धरना अज चौथे दिन दे विच पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर दे प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत कई किसान इत्थे मरण वरत ते बैठे हुए ने। किसानां दीआं कई मंगां नूं लैके उन्हां ने वीरवार तों लैके पावरकॉम दे दफ्तर नूं घेरा पाया होया। शुक्रवार ते शनिचरवार नूं इत्थे काम ठप रहा, क्योंकि तिन्नें दरवाजिआं नूं जंदरे मारे होए ने अते जिहड़े पावरकॉम दे मुलाजम ने उन्हां नूं अंदर नहीं जाण दित्ता जा रिहा। डल्लेवाल ने साफ ते स्पष्ट ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫੇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਤਰਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ NHAI ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। NHAI ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ DC ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 75% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 25% ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੇੜਿਓਂ ਹਰਚੋਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੜਕੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।